उसने कुछ करा तो नहीं विकास, नूनी बताओ क्या विकास करा हमारे शहर में, सारे में पानी भर जाए जितना सारा। 15 दिन में देख लिया सड़क बनी की वजह से टेंडर फंडर सब हो चल बन जाएगी तो हम योगी को वोट दे देंगे। नहीं पेमेंट भी है सारी चीज है, कोई करा सरकार ने ना जैसे वोट दे क्यों देंगे। सिलेंडर फ्री तो दिए हैं, फ्री किसे दिया, वे बड़े बार सड़क पर नहीं बैठे, कौन भरवा होगा, सब्सिडी का किस रेट हो गया। वो सिलेंडर टांग पे टंगे हुए हैं, एक बार भरवा के जो गवर्नमेंट ने दिए थे दे दिए अपना प्रचार करने के लिए, और कुछ नहीं है। उज्ज्वला योजना का प्रचार कर लिया प्रधानमंत्री ने, काम हो गया, सिर्फ यही और कुछ नहीं है। ठीक है जी, शाम को दारू के ठेके पर तो सारे मजदूर पहुंच जाएंगे, जो 200 रुपए की वो जो अद्दा है उसको लेने के लिए, सिलेंडर भरवाने के लिए क्या दिक्कत है, मतलब सही काम करवाने के लिए तो सबको प्रॉब्लम है। ठीक है जी, महंगाई है, दारू के लिए महंगाई नहीं है, बीड़ी का मंडल 20 रुपए का हो गया वहाँ महंगाई नहीं है, जो जो हमारे विनाश की चीजें है उसको पीने में खाने में हमारे लिए कोई महंगाई नहीं है। आज वो नहीं पिए, मरे रोज चीनी भरी रोटी का काम नहीं चल रहा, ये शराब शराब की बात ठहरे जावे, उसका विकास हो रहा, ये वैक्सीन फ्री लग लग रही कहाँ जा रहा हो पीछा, इसी में तो आ रहा मोदी की तो योगी जी, चाहे कोई कुछ भी कह ले ना कह ले जीतना तो नहीं है, सत्ता तो योगी जी की सरकार बनेगी और योगी जी को ही मुख्यमंत्री चाहते हैं हम। अगर वो अपनी मांग कर रहे हैं वहाँ पे गलत कौन सा कर रहे हैं, अगर बीजेपी आई थी उससे पहले धरना प्रदर्शन करती थी, सारे विरोध करती थी, अगर वो आदमी किसान वहाँ पे विरोध कर रहा है कौन सा गलत कर रहा है बताइए मुझे आप, उसे आतंकवादी कहोगे आप, मवाली कहोगे, खालिस्तानी कहोगे, क्यों भाई वो किसान नहीं है। अगर किसान अपना अच्छा खा रहा है पी रहा है अपनी गाड़ी में तो किसान नहीं है वो। राशन से क्या होता है, खाली राशन खाने के लिए देगा, खाली अनाज अनाज आप खा लोगे जो है उससे पेट भर जाएगा, और खर्चा नहीं है। लोगों को चाहिए आपको, लोगों को घर भी तो बनवा दिए, नहीं घर बनवा दिए वो बात ठीक है, घर तो सब कोई भी सरकार है वही करवाती है इस काम को, तो गरीबों पे जो है आप हत्या पड़े, अगर ये सही हिसाब से चलेगा तो कोई परेशानी नहीं, सब वोट देंगे सही। बहुत भाई किसे किसे जो अब जब चल रहा कौन चल रहा मोदी अच्छा टोल फ्री सड़क बनाती जब गवर्नमेंट की सड़क थी, वह गवर्नमेंट ने सड़क नहीं बना रखी, प्राइवेट बन रही है, प्राइवेट सेक्टर से है, उनका टोल आ रहा है, टोल खाया जा रहा है, क्या फायदा करा पता कितना टोल है, बड़ोस से लेके शामली का, मेरठ से करनाल का हाईवे है, अखिलेश ने बनवा रखा टोल फ्री है, क्या सड़क बनाई, सड़क तो हम जब मानते हमें दिल्ली से लेके सहारनपुर तक हमारा टोल फ्री होता। स्वागत है दोस्तों आपका लाइव जनदेश में, और इस वक्त हम मौजूद हैं बागपत जनपद के बड़ौत थाना क्षेत्र में, विधानसभा चुनाव करीब है उसको लेकर के जनता की राय जानने के लिए हम पहुंचे हैं बड़ौत और जानेंगे लोगों की राय। भाई विधानसभा के इलेक्शन में आपकी ओर जो है सरकार सत्ता परिवर्तन होगा, हर हालत में होगा, सरकार अच्छा काम कर रही है फिर क्या जरूरत है, कहाँ कर रही सरकार अच्छा काम बताओ मुझे, सिलेंडर किसे फ्री दिया आपने, उस वाली बार भरवा के दे दिया आपने, दोबारा कौन भरवाएगा उसे, इतना महंगा रेट आपने सिलेंडर कर दिया, एक बार आपने फ्री दे दिया बाकी 900 रुपये सिलेंडर कौन भरवा सकता गरीब आदमी बताइए मुझे आप। वो सिलेंडर टांग पे टंगे हुए हैं, एक बार भरवा के जो गवर्नमेंट ने दिए थे दे दिए अपना प्रचार करने के लिए, और कुछ नहीं है। उज्ज्वला योजना का प्रचार कर लिया प्रधानमंत्री ने, काम हो गया। वाले विधानसभा चुनाव में हम तो सबसे अच्छा CM जो है योगी है, सड़कें बनवा दी, सारे काम ऑनलाइन हो रहे, भ्रष्टाचार खत्म करा लग रहा, बदमाश गुंडों को मरवा लग रहा, उनकी संपत्ति खत्म करवा लग रहा, और इससे बढ़िया क्या काम होगा। आने वाले चुनाव में तो अमित शाह अपने चौधरी को देखना चाहे, अजीत के लड़के को जो हाँ जैन को, योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं, जो उसने कुछ करा तो नहीं विकास, नूनी बताओ क्या विकास करा हमारे शहर में, सारे में पानी भर जाए इतना सारा, और गड्ढे हो रहे देखो क्या करें, कुछ भी नहीं करा उनने विकास। अभी बता सड़कें बनवाई, कहाँ बनवाई सड़कें बताओ, आप भी जाओगे ना टैक्स दोगे उस पर भी, टोल की है वो तो टैक्स, वो तो देना ही पड़ेगा। हाँ तो योगी का वो भाई हमारे विकास बड़ौद में जब विकास नहीं हुआ तो हम तो इसे जयंत चौधरी को जाएंगे, अरे जैन चौधरी का बाप पुण्य भी कर रहा है उसने के काम करवाया क्या बात कह रहे तुम क्यों हम तो चौधरी को हम के मने कर रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा सुशासन के नाम पे योगी आदित्य जी ने जो इस प्रदेश के विकास में और इसके मतलब जो है जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से वो कर रहे हैं, और हम उनके साथ हैं, और फ्यूचर में भविष्य में हम उन्हें योगी जी को ही
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की कुर्सी और कोशिश करेंगे। अब ये कुछ करते हैं हमारी बड़ोस के लिए, जब भी हम कुछ कर देंगे। 15 दिन में देखिए सड़क बनी जा गई है, 15 इसकी वजह से रुक रही टेंडर पंडर सब हो रही है। जल्द बन जाएगी तो हम योगी को वोट दे देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? पेमेंट भी है, सारी चीज है, कोई करा सरकार ने ना, जैसे वोट दे क्यों देंगे भाई? परसों की बात है, प्रधानमंत्री ने 2000 रुपए किसानों का वे पैसे अपने उल्टे ले लो। 100 रुपए लीटर तेल हो गया, कौन भरवा होगा? खर्चे नहीं आते, ट्रैक्टर चलेंगे नहीं, ट्रैक्टर चल जाएंगे उनते भाई। सरकार बदलेगी, और वो कहने को कोई कुछ ही कहे तो सरकार तो बदल रही। गन्ने का पेमेंट कर दिया हो, किसी की सड़क बनवा दी हो, तेल मंदा कर दिया हो, गैस सिलेंडर मंदा कर दिया हो, बता दो क्या कर दिया? सिलेंडर फ्री तो दिए हैं। फ्री किसे दिया? वे बड़े बार सड़क पर नहीं बैठे, कौन भरवा होगा? सब्सिडी का किस रेट हो गया? क्यों भाई किस रेट हुआ? लोगों के पास रहने को घर नहीं था, आवास विकास योजना में घर बनवा कर। क्यों सरकार ने पहले नहीं करे काम? वो काशीराम कॉलोनी की शुरुआत किसकी थी? इसे कौन सा अपने घर दे दिए भाई? जो काम होंगे वे तो वे करो ना। गरीब को तो नाज भी दे लो, कुछ और दे लो, फिर का तो किसी को लुटा लो। जो काम है उनका तो ना, जो काम के वही तो देगा, और किसों की देगा? कहीं हो गई और क्या चाह रहे हैं सरकार से इतना कुछ देने लगे? हमारे पेमेंट है, किसानों का ही मुद्दा है, बिल है, बतरे काम है, कौन से मैं सहारा दे दिया? बिल तो किसानों के हित में बता रही है सरकार। सरकार अपने हित में ले लो ना उन्हें, सरकार उन्हें अपने हित में ले लो, किसान के हित का चिंता बंद कर दो, खत्म करो। अरे हमारे यहाँ किसान है नहीं है, इन्हें पता नहीं बिल के हो, इन्हें तो बेचारों को नहीं पता। वह बढ़िया वाली सड़क बन गई, बस टोल 2-4 रुपये लगो और सड़क बहुत बढ़िया बन गई। या नहीं बने क्योंकि इसका टोल तो जाना नहीं, जिस दिन टोल जाना पड़ेगा उस दिन बन जाएगी। जो है आदमी के पास कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, बताओ, हर आदमी परेशान है जी। राशन से क्या होता है? खाली राशन खाने के लिए देगा, खाली अनाज आप खा लोगे जो है उससे पेट भर जाएगा, और खर्चा नहीं है। लोगों के घर नहीं चाहिए आपको? लोगों के घर भी तो बनवा दिए। नहीं घर बनवा दिए वो बात ठीक है, घर तो सब कोई भी सरकार है वही करवाती है इस काम को तो, पर उसने और क्या करा है? नहीं सिलेंडर फ्री किसे दिया आपको? दिया है उज्ज्वल योजना तो ये सबको मिला है जी। वो तो सब सरकार में होती है। आप सिलेंडर का रेट देख लो कितना हो रहा है, कितना 100 रुपये का रेट है। कांग्रेस सरकार थी, महंगाई कितनी हो गई? अब देखो महंगाई कितनी है अब जी। आप क्या कहेंगे? महंगाई इतनी हो रही है, इस महंगाई तो क्या होगा, गरीबों पे जो है आप हत्ती पड़े। अगर यूँ सही हिसाब से चलेगा तो कोई परेशानी नहीं, सब वोट देंगे सही। है भाई किसे किसे जो अब जो चल रहा? कौन चल रहा? मोदी। अच्छा वोट देंगे जिब भी मोदी को गई, अरे भी मोदी कोई जाएगी, पर कम दम काम ना एक आधा किसी गरीब आदमी की तो सुनाई कर ले जो उसके कानून में वोट जा। खंबा पटा पटा युद्ध 6 महीने हो जाए, खंबा भी ठीक करना। प्रधानमंत्री आएंगे क्या? प्रधानमंत्री ऑर्डर तो कर सके, ऑर्डर तो कर सके वो। अखबार वहाँ खंबा खराब हो रहा है उसे ठीक कर कहो। और कई बार बिजली वालों को दिखा दिया, फोटो भेज दिए वहाँ से, मतलब काम तो होना चाहिए। ठीक है वह काम बढ़िया कर रही, इस बात को तो सब भी देखे, पर ऐसा भी तो काम कर ले जो कि किसी के ऊपर ना पड़े। फिर वहाँ आरक्षण वहाँ पब्लिक बैठे, फिर उनको मुआवजा चाहिए उसका। अब फिर मुझे भगवा हुआ है पुलिस पे भाई, इनके लिए ना हुआ होगा, उनके लिए तो हुआ, विकास तो हुआ ही है, जो हुआ वो सही बताऊंगा हम तो, जो नहीं हुआ। हाँ सुनो, जो हुआ है सड़कें बनी है, राशन मिला है, यही विकास तो हुआ है। जो हुआ उसका तो समर्थन करेंगे, जो नहीं हुआ उसका क्या समर्थन करेंगे? कौन सी सड़कें बनाई है, कौन सा रोजगार दिया है? लोगों के पास कारोबार नहीं है, काम नहीं है, सब भूखे मर रहे हैं। अच्छा जी बताओ, ये बता दो आपका क्या कर रहा है, कौन सी सड़क बनाई है? बता दो आप नाम, कौन सी बनाई है? ये हाईवे बनवाया, हाईवे तो जो है ना मायावती के टाइम से पास होया हुआ है, और आज भी जो आज तक की जो है ना मेरी आज तक की पूरा तो होया नहीं, अब तक अभी नहीं हुआ है। करवाया क्या है मुझे ये बताओ आप? भैया जो सड़कें बनाई है ना, टोल आ रहा है उनका, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से नहीं दे रखी सड़कें में, टोल आ रहा, बढ़िया कमाई हो रही। अरे तो पहले पास हुआ है। हाँ सड़क की क्या बात है, सड़क कौन सी है, सड़क कौन सी बनाई है, सड़क कौन सी है? मैं बताऊंगा सड़क कौन सी है। सड़क ऐसी होती है मेरठ से लेके करनाल तक का हाईवे बना रखा, अखिलेश यादव ने टोल फ्री है, टोल फ्री सड़क बनाती जब गवर्नमेंट की सड़क थी, वह गवर्नमेंट ने सड़क नहीं बना रखी, प्राइवेट बन रही है, प्राइवेट सेक्टर से है, उनका टोल आ रहा है, टोल खाया जा रहा है। क्या फायदा करा पता कितना टोल है, बड़ोस से लेके शामली का 70 रुपये का टोल है, 80 का है का है। मैं चलो 10 रुपये कम बता दिए, क्या पता की उसमें, बहुत बढ़िया बताओ क्या पता की। सड़कें ऐसी होती है, मेरठ से करनाल का हाईवे है, अखिलेश ने बनवा रखा टोल फ्री है, क्या सड़क बनाई? सड़क तो हम जब मानते हमें दिल्ली से लेके सहारनपुर तक हमारा टोल फ्री होता। बेरोजगारी पे कुछ लगाम लगाई गई हो,
अरे राशन की, राशन से क्या हो रहा है? पहले भी था, अखिलेश की सरकार में राशन नहीं था। राशन तो सबकी सरकार में मिले, सरकार में कोई नया काम तो करके नहीं दिखाया या कुछ करा हो, या कोई बता दे यहाँ जितने भी खड़े हैं, कौन बता भाई यो काम करा योगी ने, नाम उसको गिनवाओ तो सही बताओ कोई। महंगाई पे कोई लगाम नहीं है, सिलेंडर आम आदमी के लिए 900 रुपए का सिलेंडर होगा, गैस सिलेंडर मान लो। अब पहले जो सिलेंडर आते थे 450 रुपए तक सिलेंडर थे, अब 900 रुपए का सिलेंडर है। उज्ज्वला योजना के तहत जो फ्री मिल रहे वो गरीब को मिल रहे हैं, और आम जनता तो जो है जो मीडियम क्लास के वो तो पिस रही है इसमें। देखो भाई जनता है, जनता क्या चाहती है क्या आप अपनी राय बताइए। नहीं भाई मेरी राय तो अभी इतनी आसानी से नहीं आनी चाहिए जितनी आसानी से पहले आ गई थी, कुछ अब की बार संघर्ष होगा। अमीर आदमी और अमीर हो रहा है, गरीबों के लिए कोई ना नौकरी है ना कुछ है, बस परेशान है हर आदमी। इस हालात को ठीक करा जाए, आने वाले समय में भी सभी की समस्या होगा समाधान होगा, और सरकार बीजेपी की सभी लोग सपोर्ट करें। हमारे किसान जो बैठे हैं बॉर्डर पे, सबसे पहले तो समाधान ही होना चाह। जब तक किसान का पैसा मार्केट में आने लगा रोजगार खुलने का नहीं। तो ये परसों तो प्रधानमंत्री ने 2000 रुपये किसानों के खाते में, भाई 2000 रुपये किसानों के खाते में तो आ गए भाई, बॉर्डर बैठे 9 महीने तो उनका क्या होगा, उन्हें उनके घरों भेजो, उनके घरों भेजो ना, वे अपने घरों जाएंगे काम धंधा देखेंगे, मार्केट में 2 रुपये आओगे 2 रुपये का लोगों को काम मिलेगा, पहले रोजगार नहीं, वे किसान वहाँ फंसे बैठे। आज मजदूरी 450 रुपये एक मजदूर की है, ठीक है जी, शाम को दारू के ठेके पर तो सारे मजदूर पहुँच जाएंगे, जो 200 रुपये की वो जो अद्दा है उसको लेने के लिए, सिलेंडर भरवाने के लिए क्या दिक्कत है, मतलब सही काम करवाने के लिए तो सबको प्रॉब्लम है, ठीक है जी। महंगाई है, दारू के लिए महंगाई नहीं है, बीड़ी का मंडल 20 रुपये का हो गया वहाँ महंगाई नहीं है, जो जो हमारे विनाश की चीजें उसको पीने में खाने में हमारे लिए कोई महंगाई नहीं है। आज लो नहीं पिए, मरे रोची नहीं, मरे रोची का काम नहीं चल रहा, ये शराब की बात ठहरे योगी वाले, 450 रुपये हमें तो खर्चा नहीं चल रहा हमारा, तो एक जो राजमिस्त्री है उसके 750 रुपये है जी, एक दिन की सिर्फ वो एक दिन के लिए अपने परिवार के लिए अपने बच्चों के लिए एक दिन का वो डोनेट नहीं कर सकता सिलेंडर के लिए, कहाँ महंगाई है, महंगाई इतनी नहीं है, लोगों ने प्रोपेगंडा कर दिया, हर चीज फ्री में चाहिए। 2014 से पहले 68 रुपए पर लीटर था, आज 105 रुपए लीटर, क्या महंगाई नहीं है ये? अगर डीजल पेट्रोल महंगा होगा उसके बाद में हर चीज में महंगाई नहीं होगी? आप खाद्य पदार्थों के जितने सामान देखो सारे डबल से ऊपर हो चुके हैं, ये महंगाई नहीं है? कौन से विकास में लगा रहे जो जो कुछ राज्यों को जाता है उसका पैसा डीजल उसका पेट्रोल का, और कुछ स्टेट वो केंद्र को जावे उससे विकास हो रहा, ये वैक्सीन फ्री लग लग रही कहाँ आ रहा हो पैसा इसी में दे तो आ रहा है, कौन सा विकास कर रहा हो हमें बताओ ना, एक विकास बता दो। देखिए यहाँ नालियाँ साफ हो रही हैं, नालियाँ साफ हो रही हैं, मैं कहता हूँ कि सरकार का कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस यहाँ ब्लॉक में है, यहाँ लेडीज नाती हो, ग्रामीण क्षेत्रों की स्त्रियाँ पुरुष सभी आते हैं अपने काम करने के लिए, धनाधन काम हो रहे हैं, जब काम नहीं हो रहे तभी वो लाइन लगा रहे हैं वहाँ पे, अगर काम होता तो कोई लाइन ना लगाता, काम करवाने के लिए तो आ रहा तो पड़ेगा ना, नहीं अगर काम होते तो लाइन ना लगाता कोई, जब काम ही नहीं हो तभी लाइन लगा रहे हैं यहाँ पे वो। अभी भी देखो गंदा नाला साफ हो रहा है, आज साफ करके आज मैं अपने गाँव में गया खाता खुलवाने के लिए, पहले कोई औरत बैंक में नहीं जाग रही थी ना उन्हें पता था, अरे सब औरत अपने बैंक खाते जो है बढ़िया मेंटेन कर रही, चाहे वो मोमडन है चाहे वो हिंदू है कोई भी है, इतनी औरत थी आज माँ बैंक में, अन्य पहले औरतों को बैंक का पता भी नहीं था, इन सब में खाते मेंटेन कर रही है मोदी की, तो योगी जी। या मोदी की तो योगी जी, चाहे कोई कुछ भी कह ले ना कह ले जीतना तो नहीं है सकता, तो योगी जी की सरकार बनेगी और योगी जी को ही मुख्यमंत्री चाहते हैं हम, हो सकता है बना सकते हैं उनके फ्री का आ रहा, जिसे फ्री का आ रहा है वो योगी जी मुख्यमंत्री बना ले, जो मजदूरी करने वाला है वो योगी जी मुख्यमंत्री बना ही नहीं सकता, सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। अरे कांग्रेस के सरकार में 900 रुपए का ब्लैक में सिलेंडर बिक गया, अरे क्या दिक्कत है 850 लेने में वाले कितने थे ये तो बताओ मुझे आप, अब उज्ज्वला योजना आपने उठा के दे दिया घर में टंगे पड़े हुए सारे, वो अब भाजपा सरकार के बारे में इन्होंने बता दिया कि पहले सिलेंडर लेने वाले कितने थे, पहले सब प्रोडक्शन पहले सारा का सारा ब्लैक मार्केट में बिक रहा था सिलेंडर, देखो सिलेंडर लेना तो एक ब्लैक मार्केट सिलेंडर लेने के लिए एक वर्किंग डे चाहिए होता था, कमर्शियल के लिए किसी ने वैसे सिलेंडर नहीं खरीदे ब्लैक में, जो कमर्शियल यूज करता था उसने ब्लैक में खरीदे सिलेंडर लेने का काम करते थे, आपको जो है दूसरे दिन आपको फोन पे ही दूसरे दिन आ जाता है, दूसरे दिन आ गया। किसान जो कर रहे हैं अपना अच्छा काम कर रहे हैं, अब गन्ने का रेट नहीं बढ़ा पिछले 4 साल से, गन्ने का रेट तो कौन सा बढ़ा है पिछले 1 साल से, गन्ने का पेमेंट नहीं आया, किसान जाएगा कहाँ? अगर वो अपनी मांग कर रहे हैं वहाँ पे गलत कौन सा कर रहे हैं? अगर बीजेपी आई थी उससे पहले धरना प्रदर्शन करती थी, सारे विरोध करती थी, अगर वो आदमी किसान वहाँ पे विरोध कर रहा है कौन सा गलत कर रहा है बताइए मुझे आप?
उसे आतंकवादी कहोगे आप, मवाली कहोगे, खालिस्तानी कहोगे, क्यों भाई? वो किसान नहीं है? अगर किसान का अपना अच्छा खा रहा है, पी रहा है अपनी गाड़ी में, तो वो किसान नहीं है? वो ये बताइए मुझे आप। किसान के साथ तो सार्थक बातचीत करनी चाहिए ना, इसका समस्या का कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप उनको इग्नोर कर दोगे, ऐसे इग्नोर करने से तो काम नहीं चलेगा। उनके साथ बातचीत करिए, किसी तरह से उनको मनाइए, या आप किसी ना किसी पॉइंट पर लाके उनको सहमत करिए, ताकि जिससे समस्या का समाधान हो सके शांतिपूर्वक और इज्जत पूर्वक, ताकि दोनों पक्षों की इज्जत उनका और रिस्पेक्ट उनकी बनी रहे। सरकार ये कह रही है हम बात करने के लिए तैयार हैं, ये कानून बदले तो ध्यान नहीं, जो संशोधन तुम चाहते हो हम संशोधन करेंगे, इसमें हमें नु बताओ या दिक्कत है उसको हम दूर करने की तैयार है। ये अपनी जिद पड़े हुए है, अगर नहीं हम तो इन तीनों कानून को बदलवा के ही रहेंगे। अरे जब संशोधन करने को तैयार है वे संशोधन करवा लो ना, तो अड़ियल राज चलता और ना ही अड़ियल जो है समाज चलता। देखिए जी, हम तो योगी के शासनकाल में बड़े संतुष्ट हैं और आगे भी हम उम्मीद करेंगे योगी सरकार ही आएगी। लेकिन रही बात किसान मुद्दे की, देखो किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए और सम्मानित तरीके से होना चाहिए। भाई हमारे क्षेत्र में तो योगी जी ने अच्छा काम किया भाई, लगा हम तो योगी जी के शासनकाल में संतुष्ट हैं भाई। देख भाई, ये हमारी क्या रोड, दिल्ली सहारनपुर रोड बहुत खराब थी और भाजपा सरकार में हमारा रोड बना और हम लोग बड़े संतुष्ट हैं। रोड तो बन गई पर किसान के पास में रोड पे चलने के लिए तेल गिरवाने को पीछे तो ही ना, मलकपुर मिल है पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? 14 दिन का वादा था, उतर रहा कोई वादा कर रहा नुका एक सहारा है भाई। योगी बहुत सही कर रहा, सही होगा जब जब दिखेगा। हम तो टूटी फुट्टी पे को चले जाते तो पीछे तो थे मेरे दौरे, पर इस पे को चलने को मेरे दौरे तेल गिरवाने को पीछे नहीं है, हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। फिर क्या चाह रहे हैं? हम बदलाव चाह रहे, कोई सी भी पार्टी आओ, किसी पार्टी विशेष को नहीं कहते, बदलाव चाहो।